ज्योतिष चाचा जी, बैसाख महीना को पवित्र महीना माना जाता है और इस महीने में शादी विवाह का काफी मुहूर्त भी देखा जाता था, लेकिन इस साल बैसाख महीने में ही शुक्र अस्त होने वाले हैं। कितने सालों के बाद होने वाले हैं और अगला जो शुभ मुहूर्त शादी का रहने वाला है कितने दिनों के बाद रहने वाला है? हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। बैसाख महीना जो है यह हिंदू धर्म का पवित्र महीना है, तो पवित्र महीना में ही जितना भी संस्कार का काम होता है, विवाह, मुंडन, जनेऊ इत्यादि जितना भी कार्य है, सब बैसाख माह में होता है। लेकिन इस वर्ष क्या है, 30 वर्षों के बाद ऐसा संयोग लगा है कि एक साथ गुरु और शुक्र दोनों अस्त हो रहे हैं और विवाह आदि का काम जो है, शुभ कार्य जो है, जब तक गुरु और शुक्र नहीं रहेंगे प्रत्यक्ष में तो विवाह का कार्य नहीं होना चाहिए। ग्रह का ऐसा संचरण है कि गुरु जब अस्त हो जाते हैं तो कोई मांगलिक कार्य नहीं होता है। तो इस बार मई जून का महीना, बैसाख और जेठ का महीना जो है, इसमें मांगलिक कार्य बंद रहेंगे गुरु शुक्र के चलते। जब पुनः गुरु और शुक्र दोनों उदय हो जाएंगे तो फिर 11 जुलाई से पुनः विवाह इत्यादि कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन वह भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा क्योंकि चातुर्मास हरि शयन होने वाला है, चातुर्मास प्रारंभ हो जाएगा। और जब चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है तो चातुर्मास में भी कोई मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, इसलिए 11 जुलाई से प्रारंभ होकर के 16 जुलाई तक यानी 5 दिन तक मांगलिक कार्य होंगे और फिर 5 दिन के बाद मांगलिक कार्य बंद हो जाएंगे, हरि शयन हो जाएगा, भगवान विष्णु सो जाएंगे, इसलिए विवाह आदि कार्य बंद हो जाएगा। फिर पुनः जब उत्थान एकादशी होगा कार्तिक महीने में, इसके साथ ही मांगलिक कार्य प्रारंभ होंगे।